अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक एंड बिल्त तमाम व्यवर्स को हमारी मिनट नाइट क्रिप्टो तो, मार्केट अपडेट में बहुत बहुत सो सोगाज यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी तकरीबन आठ से नौ बिलियन डॉलर क्रैश कर चुकी है और मार्केट में आ चुकी है एक बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र मैं आपसे करीब आठ दिन पहले कर चुका था कि यूके में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और पहली बार जो यूके की जो करेंसी है दोस्तों पाउंड उसकी वैल्यू डॉलर की नस्बत ज़्यादा गिर जाने पर यूके में एक बहरान पैदा हो चुका था और अब हम देख रहे हैं दोस्तों की एक नई चीज़ खुल के सामने आ रही है कि इस वक्त दुनिया क्रिप्टो को यूके का मुस्कबिल करार दे रही है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हैं जिसकी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ सुबह की वीडियो में शेयर करूंगा लेकिन यहाँ पर कुछ अहम पहलू वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सो गैज यहाँ पर सरमाया जो है वो तेज़ी से 9 से 8 बिलियन डॉलर की कमी लेकर आया है और बी और एथीरियम के प्राइस में कोई ख़ास कमी नहीं हुई ये मैं आपको बता देता हूँ बी के प्राइस में सिर्फ सेवेंटी डॉलर और एथीरियम के प्राइस में सिर्फ दस डॉलर की कमी हुई है और एक मरतबा फिर से ये जो दोस्तों हमला था क्रैश का ये आर्ट क्वाइन के प्राइस पे हुआ अब सबसे पहले हम आगाज लेंगे दोस्तों बी से तो बी की जो मार्केट है दोस्तों हमें आज ट्रेड देकर गई है जस्ट दो डॉलर की ओनली टू डॉलर की जो बहुत ही कम है इसे आ, होल्ड करना या इसे चेज़ करना बड़ा मुश्किल है ठीक है लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सपोर्ट थी 267 और इसने अपना आगाज़ किया 268 से तो दो डॉलर की ट्रेड रही यहाँ पर आप फिर से इसे फॉलो करेंगे सुबह की मार्केट में और सपोर्ट एंड दस टोटली चेंज होगी अब दोस्तों होगी इसकी सपोर्ट 264 सिक्सटी और रजिस्टेंस होगी टू एटी वन दोस्तों दो सौ चौंसठ दो सौ इक्यासी के दरमियान आप इसे ट्रेड करेंगे और रन कर सकते हैं सुबह की मार्केट में और रही बात एक्स आर पी और कार्डेनो की गाइस कार्डेनो और ज़्यादा क्रैश कर चुका है यानी कि पॉइंट थर्टी फाइव थर्टी सेवन से निकल के पॉइंट थर्टी फोर ट्वेंटी फाइव में आ चुका है अब बात करते हैं सोलाना की गाइस सोलाना की हमारे पास सुबह की मार्केट में जो बाइंग मौजूद थी वो थी टू नाइन 29.20 हाई लगाया इसने 29.48 का 28 सेंट की हमें ट्रेड जो थी वो कंप्लीट हो गई अब सुलाना दोस्तों फिर से हमारी बाइंग में आ रहा है और इस दफा ये 29 में नहीं है 28.33 में है तो इसे हम 28.33 अभी इसे यूटिलाइज करेंगे ठीक है और हम इसे उनतीस डॉलर पर एग्जिट कर सकते हैं आज क्योंकि मार्केट पहले से ही क्रैश कर चुकी है दोस्तों तो हमारे पास एक अच्छा चांस है सोलाना से भी अर्न करने का पोलीगोन मैट्रिक की आई होप के 83 सेंट की यहाँ पे बाइंग हो जानी चाहिए थी लेकिन इसने एकदम से क्रैश लगा दिया आई होप कि आपके पास इस वक्त इसकी पॉइंट एटी की बाइंग होगी इसके बाद अभी हम होल्ड करेंगे पोलीगॉन मैट्रिक किसी भी वक्त रिवर्स कर सकता है और पोलका डॉट दोस्तों सिक्स से ही वापस होकर फाइव पे आ चुका है यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी जो सुबह की बाइंग थी वो थी 6.25 और यूनिस्वैप ने हाई लगाया दोस्तों 6.35 का 10 सेंट की ट्रेड से आई थिंक आप नहीं निकल पाए होंगे अगर निकल चुके हैं तो इट्स गुड देन आप यहां पर अगर बात करें यूनिस्वैप की तो आप इसे 6.05 पे बाय कर सकते हैं सुबह की मार्केट में और सिर्फ पंद्रह सेंट की ट्रेड रख के आप इसमें से एग्जिट कर दीजिएगा अगर आप थोड़ा सा होल्ड पर पा, होल्डिंग पावर रखते हैं तो आप थर्टी सेंट की भी ट्रेड निकाल सकते हैं इसमें से अब बात करते हैं दोस्तों एवेक्स की एवेक्स की हमारे पास एक बाइंग थी सुबह की ये पहली बाइंग थी पंद्रह इशारिया तीस की फिफ्टीन पॉइंट थर्टी की तो हम यहाँ पर इस वक्त उसमें छ सेंट के इजाफे में हैं लेकिन एवेक्स ने दोस्तों यहाँ पर जो हाई लगाया है वो तकरीबन पंद्रह इशारिया अड़तालीस का है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर इसमें ट्वेंटी एट सेंट की ट्रेड मिल चुकी है अब सुबह की मार्केट में हम एवेक्स को दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका जो लो लेवल होगा वो होगा पंद्रह इशारिया बीस फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी और आप इसे सो पंद्रह इशारिया अस्सी तक होल्ड कर सकते हैं और गाइज मैं अक्सर दोस्त यहाँ पर कुछ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हर कर रहे थे कि आप एग्ज़िट एक्यूरेट बताया करें दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली तीस सेंट चालीस सेंट की ट्रेड बताता हूँ सो इट्स फाइन कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि 40 सेंट की ट्रेड जहां पर भी होगी आपने मार्केट से निकल जाना है क्योंकि जब हम मार्केट रिवर्सल क्यों मारती है और हम 40 सेंट की ट्रेड आपको क्यों बताते हैं सिर्फ इसीलिए कि मौजूदा हालात में किसी भी एक क्वाइन में एक डॉलर की तमन्ना के चक्कर में हम 40 सेंट की 30 सेंट की ट्रेड भी गवा बैठते हैं सो so सोगा सुबह की मार्केट में हम एल से एग्जिट कर चुके थे अब एल हमारी बाइंग जोन में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है तो इससे हम डायरेक्टली 51 डॉलर पे बाय कर सकते हैं इक्यावन डॉलर पे और एग्जिट इसका भी 40 से 50 सेंट आप माइंड में रख सकते हैं फर्दर में हम देख रहे हैं दोस्तों चेन लिंक में मजीद कमी हुई है थी सेंट की और ऑटम में भी सो गाइज यहाँ पर ऑटम बैडली क्रैश कर रहा है उसकी रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं और सुबह की मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बाइंग थी दोस्तों ए की और अगर हम बात करें ए की दोस्तों तो ई टी सी यहाँ पर आज रिकवर नहीं कर सका हमें अपनी वो जो सुबह की बाइंग है बाईस इशारे पैंसठ बाईस इशारे सत्तर की वो होल्ड रखनी है अब यहाँ पर डायरेक्टली वन डॉलर की कमी हो चुकी है आई की इतने एक डॉलर के गैप से मैं नहीं समझता कि हमारी दूसरी बाइंग यहाँ पर होनी चाहिए सो हमें यहाँ पर होल्ड रखना चाहिए अब एक्स एम आर दोस्तों आज के क्रैश में कहीं जाकर सात डॉलर का गैप लेकर आया है सो आई होप कि आप एक्स एम आर को वन थर्टी नाइन पॉइंट 80 पे यूटिलाइज कर सकते हैं आज की मार्केट में अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की जाने बी सी एच सुबह दोस्तों हाई लगा कर हमें कम्प्लीटली एग्ज़िट दे गया था ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ बी सी एच की हमारे पास दोस्तों बी सी एच अवेलेबल था वन ओ सेवन की बाइंग पे और बी सी एच ने उसके बाद हाई लगाया वन ओ नाइन का यानी कि हम उसमें दो डॉलर की ट्रेड लेकर एग्जिट कर चुके हैं अब बी सी एच इस वक्त ऑलरेडी लो हो चुका है मुझे ऐसा लगता है कि वन ओ फाइव और पॉइंट नाइन्टी पर सूटेबल होगा एक सौ पाँच इशारिया नब्बे ठीक है आप इसे एक सौ छः पे भी बाई कर सकते हैं और ट्रेड इसमें स्टिल दो डॉलर की होगी सो so गाइज यहाँ पर हमारी जो आपसे डिस्कशन रही पास्ट में वो अलहमदिल्ला इंतहाई नेचुरल थी और वही नेचुरल वे में हमारे सामने आ रही है उसका रिजल्ट आ चुका है वो है क्यू एन टी गाइज इस वक्त सुबह से लेके अब तक मतलब इन बारह घंटों में क्यू एन टी ने अपनी पोजिशन $14 डॉलर लूज़ कर दी है चौदह डॉलर ठीक है इसमें क्यू एन टी हंड्रेड परसेंट रिकवर कर सकता है पीक पे, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता लिहाजा क्यू एन टी अपनी एक बहुत बड़ी वर्थ यहाँ पर खो चुका है ये किसी भी वक्त पाँच से दस डॉलर का जो पंप लगाता है उसके बाद फिर से अपने प्राइस में पाँच से दस की बजाय बीस से सत्रह की कमी कर रहा है और इसका ये गैप अब तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है तो लिहाजा 12 और की ट्रेड के लिए अभी आप क्यू एंड टी को थोड़ा सा इग्नोर रखें सो गाइस सोगा क्लासिक की यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है कि इसके बर्न प्रपोजल में जो 1.2 पॉइंट टू टैक्स बर्न हो रहा था बर्न की शक्ल यानी में काटा जा रहा था यानी कि डिडक्शन हो रही थी उसे कम कर दिया गया है एक्यूरेटली उसकी अमाउंट कितनी है वो मैं आपको इन सुबह की वीडियो में बताऊँगा अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिल फ्लो इन सभी की प्राइस में कमी हुई है और सुबह तेज़ी से पम्प करता हुआ कॉइन एक्स सी एन इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक्यूरेटली दोबारा से इसके प्राइस नीचे आ चुके हैं एक्सी को दोस्तों आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ज़ीरो सिक्स सिक्सटीन आप करेंगे और ज़ीरो सिक्स नाइन्टी इसकी एग्जिट हो जाएगी यहाँ से दोस्तों हम आई को ए को देख रहे हैं तो ये यकमुश्त एक साथ डाउन कर रहे हैं सुबह की मार्केट के लिए दोस्तों हमने आपसे डिस्कशन की थी डबल ए की कि हमने इसे बाय करना है एटी पे तो ये ऑलरेडी 80 पे आ चुका है मतलब 80.70 पे तो आप डबल ए बी ई को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे इसे करंट प्राइस पे बाय करके जो भी इसके प्राइस चल रहे हैं अस्सी इशारिया सत्तर ये आपको ट्रेड दे सकता है दोस्तों ईजीली दो डॉलर की रकम तो बहुत बड़ी है लेकिन दो डॉलर की आपको प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में मिल सकती है सो so गाइस इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूके में इस वक्त हमें एक बड़ा इस्तीफा देखने को मिला है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जिसका खदशा मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस इन्फ्लेशन से और जितनी महंगाई इस वक्त यूके में बढ़ रही है इससे करेंसी के अंदर एक पंप आ सकता है क्यों क्योंकि वहाँ की बहुत सी दुनिया सहूलत एक्स्ट्रा मिलने के चक्कर में बाजुकात वेट कर लेती है इस चीज़ का कि चलो ठीक है हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो हम इसको टैकल कर लेंगे लेकिन बिगड़ती हुई यूके की सूरत हाल ओबियसली यू के की जो इस वक्त तक की जो डेमोक्रेसी है और जो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन है वो हमेशा आवाम को सपोर्ट करते हैं और वहाँ की जो बेसिक आबादी है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है कि जी हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है लेकिन जितने भी वहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के मसाइल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस बिल यानी कि यूटिलिटीज़ इन शॉर्ट आपसे कहूं तो यूटिलिटीज़ वहां पर बहुत पहले की निस्बत उनके प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं तो जाहरी बात है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने जो रिज़ाइन किया है वो बेवजह तो किया नहीं ठीक है वो अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे उन्हें गिल्ट फील हुआ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सो गायज़ इंटरनेशनल अनालस इस बात को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जोड़ रहे हैं कि यूके में बहुत तेज़ी से अब क्रिप्टो की तरफ रुझान बढ़ने वाला है और ये जो पंप ऑफ द ईयर आएगा इसमें भी यूके की तरफ से बड़ी ज़्यादा आवाम क्रिप्टो में इन होने के चांसेस जो है एनालिसिस शो कर रहे हैं सो so गैज़ यहाँ पर हम एम को आज हमारी ट्रेड में ऐड कर रही हैं बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जी एम को आप ट्रेड में क्यों नहीं ले रहे सो गैज़ वन थाउजेंड एंड थर्टी फाइव पर इस वक्त खड़ा है इसे हम मजीद यूटिलाइज़ करेंगे लेकिन आने वाले सेशंस में मज़ीद यहाँ पर दोस्तों ओ बी ने अपने आप को थोड़ा सा रिकवर किया है सुबह की नस्बत ओ बी बुरी तरह डाउन कर गया था तो बेटर है कि हम अभी अपनी बाइंग की तरफ जा रहे हैं ठीक है और के सी एस जो है वो हमारे हमने बाइंग इसकी करनी है नाइन पॉइंट थर्टी पे तो अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं सो गैस यहाँ पर एक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं तो मार्केट में आज हम देख रहे हैं इथीरियम डब्ल्यू पे तकरीबन 24 सेंट की कमी हुई है और पैनकेक स्वैप अगर हमने बाय करना होगा दोस्तों तो 4.15 पॉइंट फिफ्टीन चार इशारिया पंद्रह पे हमने पैनकेक स्वैप को इग्नोर नहीं करना सो so गाइज इसके साथ हम देख रहे हैं कि सी एक्स जो है वो पंप करना शुरू हो गया है 4.95 का लो लगाने के बाद आज सी 5.03 एक्स फाइव पे आया है हमारे पास इसकी बाइंग मौजूद है पाँच की अगर आपने अभी तक इसे बाय नहीं किया तो आप इसे अभी 5.03 पर भी बाय कर सकते हैं और सुबह की मार्केट में 5.30 का एक्जिट लेकर एक अच्छी ले ट्रेड हासिल कर सकते हैं सो so गाइज आप बढ़ते हैं BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ सो गाइज ऑन द चार्ट पी टी यहाँ पर कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई लेकिन एक मरतबा BTC ने फिर से अठारह का लो लगा दिया है एटीन ये इतनी बड़ी दोस्तों कमी नहीं है आज गोल्ड की मार्केट की भी मैं आपको रिपोर्ट देता चलूँ कि गोल्ड की मार्केट गायस तकरीबन पच्चीस डॉलर रिकवर कर चुकी थी पर औंस और अभी क्लोजिंग के वक्त हमने देखा कि उसके अंदर दोबारा से 18 डॉलर की कमी हो चुकी है सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द ट्रेडिंग मार्केट्स एंड कमोडिटीज़ अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों के बी दोबारा से अपनी एक्स्ट्रा वीकर जोन में आ चुका है सुबह की मार्केट के लिए हमें बहुत कम ऐसा मंजर देखने को मिला है मोस्टली इस टाइम पे बी टी सी नाइनटीन थाउजेंड पर उससे प्लस हमें देखने को मिलता था मतलब नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड वन सेवेंटी फाइव अभी ये वीकर जोन में है और यहाँ पर हम इसकी जल्दी से कैंडल्स पे चलते हैं दोस्तों ताकि आपको आइडिया मिल सके कि होने क्या वाला है गाइस यहाँ पर तो एक डाउन ट्रेंड बन चुका है ठीक है बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है दोस्तों इस कैंडल से पीछे अगर हम देखें तो एक अप ट्रेंड था हम उसे इग्नोर कर देंगे यहाँ पर अभी बात करते हैं जो लास्ट सूरतयाल बन रही है वो दोस्तों बिरिश एंगलफिंग की है ठीक है और उसका शेडो सिर्फ डाउन साइड पर है अब इसे थोड़ा सा भी मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट इसकी अट्ठारह हज़ार आठ सौ नब्बे तक जा सकती है मतलब वन सिक्सटी फोर का क्रैश मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों मार्केट 18,550 तक जा सकती है ठीक है 18,550 का लो लगा सकती है और जितनी मार्केट स्लो हो चुकी है दोस्तों ये वहाँ पर सपोर्ट बनाने में नाकाम हो सकती है ये भी याद रखिएगा तो आज की मार्केट में दोस्तों हमने मार्केट को फॉलो करना है ट्रेड नहीं करनी आपने बी में बी से जुड़े हुए क्वाइं को यूटिलाइज़ ज़रूर कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले है सोलाना एवेक्स और अब की मार्केट में हम दोस्तों यूज़ करेंगे एल ठीक है ये हमें डाउन पे बी के डाउन पे साजगार होंगे ट्रेड करने के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों फोर आवर की जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो बहुत बुरी तरह यहाँ पर क्रैशिंग का साइन दे रही है सो यहाँ पर मार्केट क्रैश कर सकती है इस कैंडल के बिरिश मारू बूजू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है और रिकवर करने के लिए जिस लेवल की दरकार होगी हमें अमाउंट वो है दोस्तों थाउजेंड थ्री नाइनटी उन्नीस हजार तीन सौ नब्बे पे कमो पेश नाइनटी मिनट की रेजिस्टेंस और फिर जाकर बी टी सी की मार्केट सेव होगी ट्रेड करने के लिए अब बढ़ते हैं के कैंडल चार्ट की तरफ सो गाइस नाउ वी आर द चार्ट ऑफ इथेरियम जहां पर हम इथेरियम के प्राइस को सुबह की नस्बत और ज्यादा वीक होता देख रहे हैं तकरीबन इसमें नौ डॉलर की मजीद कमी हुई है और इसकी सपोर्ट भी एक्स्ट्रा वीक हो चुकी है तकरीबन चार डॉलर अब यहाँ पर दोस्तों फुल्डे कैंडल चार्ट में देख रही हैं एब्सोल्यूटली जो यहाँ पर हमें कैंडल बनती दिखाई दे रही हैं वो बहुत डिफरेंट है पी टी सी की नस्बत सो गाय जो लास्ट कैंडल यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है बिरिश शूटिंग स्टार और इसका जो इस वक्त शेडो है वो अपर साइड पे है जो इथीरियम के लिए थोड़ी सी सपोर्ट बना है ठीक है अगर हम इसके इससे पहली दो कैंडल की बात करें तो वो ओब्वियसली यहाँ पर बिरिश ही थी अब बढ़ते हैं फोर और की कैंडल चार्ट की तरफ कि अगर यहाँ पर भी शूटिंग स्टार जैसा कोई सीन है तो वो नुकसानदेह होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है दोस्तों थ्री ब्लैक रोक का ठीक है ये बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं ये थ्री ब्लैक रो का जो ट्रेंड है दोस्तों इथीरियम में डायरेक्टली साठ डॉलर की कमी लेके आ सकता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिकवर भी करेगा क्योंकि इसका शेडो डाउन साइड पर था जो नई कैंडल बन रही है इसका शेडो अपर साइड पर है अपर साइड का शेडो बता रहा है कि इसकी जो समझ लें कि जो बांस जैसी ये जो डंडी बाहर निकलेगी ये जो दरमियान के अंदर है जिसे हम ये कहेंगे ये जो आगे देख रहे हैं ये शेडो इसका ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमें बता रहा है कि ये रिकवर कर सकती है सो गाइस यहाँ पर सुबह की मार्केट से पहले तकरीबन अभी तो खैर उस मार्केट को स्टार्ट होने में साढ़े चार घंटे बाकी हैं फोर एंड हाफ़ और इज़ लेफ्ट तो इस दो घंटे में इसकी कैंडल जो है डेफिनेटली थोड़ी सी अपर साइड पे या डाउन साइड पे जा सकती है अब डाउन साइड की पहले बात कर लेते हैं कि इसको यहाँ पर अपनी पोजीशन को 495 पर लेके आना होगा 15 डॉलर तक का इजाफा नहीं होता तो मार्केट 1240 के लिए बिल्कुल तैयार है यानी कि क्रैश के लिए आप लो पर ट्रेड करेंगे और सिर्फ आज लो के लिए जो इसके साथ रिकमेंडेड कॉइन होगा वो सिर्फ एटी है और आप कोई कॉइन यूज़ नहीं कर सकते सूरत हाल बहुत जो है अभी गंभीर होती जा रही है और पम्प करने के लिए 1295 पे इसका एक घंटा रजिस्ट करने के बाद 1330 पे जाना और 15 मिनट वहाँ पर रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होगा फिर जाकर कहीं मार्केट में कोई स्ट्रेंथ शो होगी दैन अदरवाइज मार्केट हमें जो मेन न्यूज़ दे रही है वो है दोस्तों सिक्सटी मार्केट में क्रैश आ सकता है और क्योंकि कल है दोस्तों जुमे का दिन तो कल भी कुछ डाटाज अमेरिका की तरफ से एंटर हो सकते हैं और मार्केट में सुबह की एक चांस बन सकता है पंप का लेकिन वो कौन सी सुबह जो दोपहर की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा उसकी डिटेल उसमें प्रोवाइड की जाएगी सो so गाइज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो तक हाफिज़